नमस्कार दोस्तों, गोमो हमारे साथ चैनल में आपका स्वागत है। गुजरात के राजकोट सिटी की जो सीरीज चल रही है उसके पार्ट 4 में आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ महात्मा गांधी जी जहाँ रहते थे वो कबा गांधी नो डेलो। अभी मैं जो हूँ वो है राजकोट का 150 फुट रिंग रोड फ्लाईओवर के ऊपर से मैं जा रहा हूँ धर्मेंद्र रोड और वहां पे आपको दिखाऊंगा कबा गांधी नो डेलो। आप मेरे साथ बने रहिए और हाँ, ये वीडियो आप पूरा देखिए और हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम कबा गांधी नो डेलो देखने के लिए, चलो मेरे साथ। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ वो है कबा गांधी नो डेलो। देखिए आप कबा गांधी नो डेलो, ये एक छोटी सी गली में है। गांधी जी का घर था, गांधी जी का बचपन यहाँ पे गुजरा हुआ था। तो चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही हम गांधी जी के कबा गांधी डेलो इसमें एंटर होते ही यहाँ पे पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है। देखिए गांधी जी के बारे में कि वो कब यहाँ पे रहने के लिए आए और कब यहाँ पे रहे। और ये जो आप देख रहे हो ना वो गांधी जी के घर का आंगन है। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वो मैं आप वीडियो जरूर देखना आगे। तो सबसे पहले मैं अंदर जाता हूँ और आपको अंदर से पहले दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो ये गांधी जी की तस्वीर लगाई गई है और ये देखिए अलग अलग कमरे जहाँ पे गांधी जी रहते थे, उसका फैमिली रहता वो दिखाया गया है। ये है उनके फादर की बड़ी तस्वीर करमचंद गांधी और ये है पुतली बा, ये उसके मदर फादर है। यहाँ से हमें घर में प्रवेश करना है, उसके पहले थोड़ी गांधी जी की इन्फॉर्मेशन इस घर के बारे में ले लेते हैं। हाँ तो दोस्तों हम लोग अभी कबा गांधी नो डेलो राजकोट में खड़े, वो करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी जो गांधी जी का फुल नेम था, उसमें करमचंद उनके पिताजी का नाम था, उसका निक नेम था कबा गांधी। तो यहाँ पे गांधी जी इसी घर में बचपन में रहे थे। मेरे साथ यहाँ पे मेहुल भाई है जो ये पूरा म्यूजियम का, अभी इसको म्यूजियम बना दिया गया है, उसके संभालते हैं। तो मेहुल भाई से पूछेंगे कि थोड़ी माहिती हमें इस कबा गांधी नो डेलो इसके रिगार्डिंग दे, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट, गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास है। तो बताइए ना आप थोड़ा। ये गांधी जी का बचपन का घर है, उनका पूरा बचपन यहाँ पर गुजरा था। इस घर में गांधी जी का पूरा बचपन बीता था। उन्होंने मांस न खाने की, स्त्री संग से दूर रहने की वो प्रतिज्ञा भी इसी घर में ली थी। यहाँ से ही वो विदेश पढ़ने के लिए गए थे। उनके जो चार पुत्र थे गांधी जी के, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास, उनमें से पहले दो पुत्र का जन्म भी इसी घर में हुआ था। ओके, गांधी जी के पिताजी की डेथ भी इसी घर में हुई थी। और यहाँ पर मैंने ऐसा भी सुना है कि जो दारू नहीं पीना है वो भी यहाँ पर ही उसने प्रतिज्ञा ली हुई थी। जी हाँ, मैं कभी मांस मछली नहीं खाऊंगा, हमेशा सत्य बोलूंगा, दारू नहीं पीऊंगा, स्त्री संग से दूर, ये सब प्रतिज्ञा, ये तीन प्रतिज्ञा उन्होंने इसी घर में ली थी। और ये जो अभी जो घर आप है उसमें कितने रूम है और सब रूम में वो रहते थे उनके मदर फादर, वो थोड़ा बताइए कितने रूम है अभी यहाँ पे। अभी तो फिलहाल यहाँ पर 5 रूम है, उनमें से कोई गेस्ट रूम था। गांधी जी और उनकी जो वाइफ है उनका रूम इस डेले के ऊपर था। अच्छा। लेकिन फिर नए मकान मालिक ने उस रूम को गिरा कर टेरेस बना दिया था, इसीलिए भी वो नहीं है। ओके। तो यहाँ पे टाइमिंग कितने बजे रहता है? सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। 9 से 6 बजे तक रहता है। तो थैंक यू मेहुल जी, आपने देखा मेहुल भाई ने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। अच्छी जगह है, शांत जगह है, कभी भी आप राजकोट आओ तो ये कबा गांधी नो डेलो वो एक्चुअली गुजरात एसटी बस स्टॉप है, वहाँ से हम धर्मेंद्र रोड की तरफ आते हैं। वहाँ पे एक छोटी सी गली उसमें लिखा हुआ है, सब जगह पे होर्डिंग्स दिए हुए हैं कबा गांधी नो डेलो कर लिखा है ऐसा। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, कोई एंट्री फ्री नहीं है यहाँ पे, फ्री ऑफ है। आप देखो कितनी शांति लग रही है और आप राजकोट आओ तो जरूर आओ कबा गांधी नो डेलो। थैंक यू। मैंने अभी प्रवेश कर लिया है, सबसे पहला रूम है ये, देखिए तस्वीरें लगी है और जरा ऊपर देखिए वेंटिलेशन कितना अच्छा बनाया गया है। इस घर की विशेषता ऐसी है कि यहाँ पे पुराने
जमाने की जो चीजें थी गांधी जी की ऐसे ही रखी हुई है। देखिए कबर्ड भी और ये डोर्स, देखिए दरवाजे भी। और ये है गांधी जी के फादर और मदर की तस्वीर, ये गांधी जी के बचपन की तस्वीर है और उसके पोरबंदर का घर है, गांधी जी जहाँ पे पढ़े थे काठियावाड़ स्कूल, इसकी डिटेल्स भी यहाँ दी हुई है। मैंने भी अपना एपिसोड दिया था राजकोट ऑल्फ्रेड हाई स्कूल में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। अभी मैं चलता हूँ अंदर की साइड में। गांधी जी के फादर राजकोट स्टेट के दीवान थे, तब यहाँ पे रहते थे। सामने जो आपको बोर्ड दिख रहा है ना, वहां पे महात्मा गांधी जी के जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी थी वो कहाँ पे कौन से ईयर में और इंडिया में कहाँ पे हुई थी वो पूरा दिखाया गया है इस बोर्ड के अंदर, देखिए। और ये स्विच देखिए कितनी पुरानी लग रही है, स्विचेस जो भी है। ये पूरा पोर्शन है अंदर की साइड का, नीट एंड क्लीन रखा हुआ है और अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हो। और सेम वेंटिलेशन की जो मेथड है वो मैंने आगे भी आपको दिखाया, सेम इधर भी है। चलो मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। गांधी जी के दोस्त थे जो भी थे उसके भी यहाँ पे, गांधी जी जिसको मिले थे लाइफ में उसकी तस्वीरें लगाई है। यह है राजकोट सत्याग्रह, राजकोट में जो सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का उसमें किसने पार्टिसिपेशन किया था उसकी यहाँ पे तस्वीरें हैं। वही अगेन मैं बोलता हूँ, वही दरवाजे वही डोर पुराने। और यह है भारत के महत्वपूर्ण आगेवान, यानी ये भी एक रूम में यहाँ पे तस्वीरें लगी है, वो भारत की जितनी भी हस्तियां हैं उसकी फोटोस लगी हुई है। और अभी जो ये दिख रहा है वो है गांधी जी के अंतेवासी, जो गांधी जी के साथ रहने वाले थे उसकी तस्वीरें हैं, देखिए क्लोज एसोसिएट्स ऑफ गांधी जी। अगेन वही स्विचेस पुरानी। और ये देखिए गांधी जी के हस्ताक्षर है अलग अलग भारतीय भाषाओं में, तेलुगु है, गुजराती है, इंग्लिश है, बंगाली है, ओरिया, कन्नड़। तो ये एक छोटी सी लाइब्रेरी गांधी जी के यहाँ पे बनाई गई है जहाँ पे उसकी जीवन की सब पुस्तकें मिलती है। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, ये लास्ट रूम था और यहाँ से सीधा हम बाहर निकलेंगे। जो आप ये सामने जो आप दो रूम देख रहे हो वो गेस्ट रूम था गांधी जी के समय में, और ये जो दो है वो गांधी जी की ऑफिस थी, मीन्स उनका जो उनके फादर का जो ऑफिस यहाँ पे थी गांधी जी के फादर की। और सामने जो आप देख रहे हैं वो गांधी जी का, गांधी जी के घर में किचन था। तो पुराने जमाने की स्टाइल से ये बना हुआ था कि घर अंदर और गेस्ट रूम ऑफिस और किचन बाहर। और ये जो ऊपर की जगह है जो अभी जैसे मेहुल भाई ने बताया ऊपर, ये यहाँ पे गांधी जी का रूम था लेकिन उसके बाद उसको गिरा दिया गया है। तो ये पूरा आप कबा गांधी नो डेलो आप देख रहे हो, पीसफुल जगह है। अभी इसको बहुत ही अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन रखा है। ये फोटोग्राफिक प्लेस भी बनाया गया है, हे राम लिखा हुआ है। तो थैंक यू। तो अभी आपने देखा कबा गांधी नो डेलो, यानी गांधी जी के फादर का घर। ये देखिए इस छोटी सी गली में से हमें आना है यहाँ पे इस कबा गांधी नो डेलो देखने के लिए, यानी घर देखने के लिए। ये तो मैंने सिर्फ आपको झलकियां दिखाई है, आप राजकोट आओ तो ये देखने जरूर आना। तो इसके साथ ही हमारे राजकोट सिटी का ये पार्ट 4 खत्म होता है, अभी हम पार्ट 5 में मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ अपनी कमेंट्स जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।